हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरतीज फूड्स एंड फ्लेवर्स हेल्दी हब। तो मैं आपके लिए ला रही हूँ हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़। मैं पहली रेसिपी है ओट्स ढोकला। ओट्स से मैंने इसको बनाया है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक कप ओट्स और इसको मुझे रोस्ट करना है एक मिनट के लिए, ताकि जो भी इसके अंदर मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये एक मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। एक पाउडर का कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए। तो इसको रोस्ट करने का यही मकसद है कि बहुत ही अच्छे से पाउडर जो है वो बन जाता है। तो मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है और इसके बाद इसको बंद करके एक दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेना है। तो ये बन गया है मेरा ओट्स का पाउडर, जिसको मैंने एक बड़े बॉल में निकाल लिया है। तो यही कंसिस्टेंसी चाहिए। इसमें अब मैं मिलाऊंगी सूजी। सूजी इज़ आल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। उसके बाद बेसन, तो 1/8 कप मैंने दोनों डाला है। और इसके बाद मैं डालूंगी लगभग 2 बड़े चम्मच दही और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और साथ में मैंने लिया है 1 कप पानी और एक ढोकले की कंसिस्टेंसी वाला जो पेस्ट है वो मुझे चाहिए। तो मैं इसको धीरे धीरे पानी मिला के मिक्स करती जाऊंगी और अच्छी तरह से प्रॉपरली मिक्स करना है। तो ये मेरा एकदम बहुत ही अच्छा पेस्ट बन के तैयार हो गया। इसको मैं अब कम से कम 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है। 15 मिनट हो चुके हैं और अब इसको थोड़ा और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी नमक और साथ में मैंने लिया है आधी मिर्ची। छोटे से मिक्सर ग्राइंडर में आधी मिर्ची लूंगी, 5-6 लहसुन की कलियाँ, एकदम छोटा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़ी सी धनिया। पानी मिला के इसको थोड़ा सा पीस लेना है और इस पेस्ट को हम डाल देंगे हमारे ओट्स वाले पेस्ट के अंदर। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसको डालने से। और सबसे लास्ट में डाल देना है इनो का एक पूरा पूरा पाउच, जिससे कि हमारे ढोकले बहुत ही अच्छे और फ्लफी बनते हैं। तो देख रहे हैं ना आप कितना मस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है और ये बहुत ही हेल्दी स्टफ है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और एकदम हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम फ्लफी हो जाएगा। और यही फ्लफीनेस हमें चाहिए ढोकलों के लिए। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे और उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ढोकला बनाने के लिए। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है और अब इसको मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक ढोकले वाला बर्तन, जिसको मैंने 1/2 चम्मच तेल से ग्रीस कर लिया है अच्छी तरीके से। अच्छी तरह से सब दूर तेल लगा देना है और तेल की क्वांटिटी आप कम भी रख सकते हो, बस अच्छी तरह से लग जाना चाहिए तेल। और उसके बाद जो हमारा ओट्स का पेस्ट है, जो फ्लफी पेस्ट है, उस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। और अब मैंने लिया है एक बड़ा कुकर, जिसमें मैंने लगभग 2 से 4 कप पानी डाला है। उसके ऊपर एक मैं रखूंगी जाली और उस जाली के ऊपर मैंने ओट्स ढोकले का जो कंटेनर है वो रख लिया है। इसका ढक्कन लगा देंगे और इसकी विसल्स को हटा देना है, विसल को हटा देना है। और 15 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं तो हम इसको अब स्विच ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे लगभग 10 मिनट तक। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको बाहर निकाल के रख देंगे। अब बघार लगाना है, तो मैंने एक छोटा सा फ्राइंग पैन लिया है, जिसमें मैंने लगभग 1 टीस्पून ऑयल लिया है और इसी में मैं डालूंगी 1/2 चम्मच राई और 1/4 चम्मच मैंने इसमें तिल डाली है। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और 1 मिर्ची आप काट के डाल सकते हैं इसमें इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो अच्छी तरह से इसको तड़कने देंगे और उसके बाद स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे ही थोड़ा सा तेल ठंडा होता है वैसे ही हम इसमें 2 से 3 टीस्पून पानी डाल देंगे। और अब इस बघार को हम डाल देंगे हमारे ढोकले के ऊपर। वाओ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और सही में ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा पौष्टिक और बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा।
तो अच्छी तरह से इसको हम स्प्रेड कर देंगे ढोकले के ऊपर। मैंने पानी इसीलिए डाला है ताकि जो भी, अगर थोड़ा ढोकला ड्राई भी होगा तो भी पानी उसके अंदर चला जाएगा और ये सॉफ्ट बन जाएगा। इसके ऊपर मैंने डाल दी है चॉप्ड हरी धनिया और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जो इसके स्वाद को। अब हम इसको कट करेंगे तो हम इसको एक ढोकले के आकार में कट कर लेंगे। सबसे पहले हम चाकू की सहायता से सीधे सीधे कट करेंगे और उसके बाद जब ये सीधा कट हो जाएगा उसके बाद हम इसको अब आड़ा आड़ा काट के जो एक स्क्वायर का शेप होता है या फिर एक रेक्टेंगल का शेप होता है वो शेप देने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये ओट्स का ढोकला बनाना सिखाया है आपको। ढोकला जिसको पसंद है उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, इसको ज़रूर बनाइए। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और मैं आपके लिए हमेशा हेल्दी वीडियोस ही लेकर आती हूँ। यही मेरा मकसद है कि आपको टेस्ट के साथ हेल्थ भी मिले। तो होप आपको मेरा ये बनाया हुआ ढोकला बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा हेल्दी चीज़ें अच्छी होती हैं, उसका उन्हीं को बनाएं और उन्हीं का सेवन करें। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, नए हेल्दी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आरतीज फूड्स फ्लेवर को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।